अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सनी और अपने चैनल फ्रेंड फॉर यू पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज इस बारे में बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अक्सर दोस्त समझते हैं कि हम अगर अपने हार्ट को फॉर्मेट कर देते हैं, अगर वो हम किसी को दे देते हैं, तो उसके बाद हमारा जो डेटा है वो महफूज है, क्योंकि हमने उसको फॉर्मेट कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं जिससे आप अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप उस हार्ड को फॉर्मेट करके या पार्टीशन तोड़ के भी दे देते हैं, तो वो डेटा रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करें वो ये है कि किस तरह हम अपने डेटे को महफूज बना सकते हैं कि वो किसी गलत इंसान के हाथों में ना लगे, भर के हम अपने पर्सनल जो डेटा है उसको हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, कार्ड से या USB से या एक्सटर्नल हमारी डिवाइस हार्ड ड्राइव होती है, या कंप्यूटर आप बेच करना चाह रहे हैं और वहाँ से आप डेटा ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उस सिलसिले में, तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे YouTube चैनल फ्रेंड फॉर यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हमारी न्यू वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जी, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए इसके लिए वो है CC क्लीनर। ठीक है, हमें जो चीज़ चाहिए वो है CC क्लीनर। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल, ठीक है जी, और यहाँ से CC क्लीनर को आप सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ CC क्लीनर साइट्स पे मौजूद है जहाँ से आपको इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ जी। तो यहाँ से आप इसका फ्री वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सी साइट हैं जहाँ से आप मुतमिन हों, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं CC क्लीनर पे। तो सबसे पहले हम इसको जो है रन करते हैं। ठीक है जी, ये अब रन हो चुका है। तो इसमें आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जिसमें मकसद है आपकी जो हिस्ट्री वगैरह है, कुकीज़ वगैरह है, वो सब कुछ क्लियर करता है, और थम्स और बहुत कुछ मकसद है इसके ज़रिए आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी पे चलते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले टूल पे क्लिक करना है। ठीक है, टूल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो उसके बाद अब हमने अपनी हार्ड ड्राइव को, जो आपने हमें मकसद है किसी को देनी है, तो उसको आपने क्लीन करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही आप ये ड्राइव वेपर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले टूल्स पर, फिर ड्राइव वेपर पर। ठीक है, उसके बाद आप जिस ड्राइव को वेप करना चाह रहे हैं उस पर जस्ट आपने सिंपली वन क्लिक करना है। ठीक है, मसला मैं इसके लिए इसको करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये वेप का ऑप्शन ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद मैं इसको ईज़िली वेप कर सकता हूँ। तो मकसद है, अब मैं क्योंकि पार्टीशन को अपनी पूरी वेप नहीं कर सकता, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मेथड। तो आपने सिंपली वेप पर क्लिक करना है। जैसे आप वेप पर क्लिक करेंगे, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसके ज़रिए ये इसको क्लीन करना शुरू कर देगा, और एंड पे आपको ओके का जब मैसेज आएगा, तो आप उसे ओके कर लेंगे। जब उस आप ओके कर लेंगे, तो उसके बाद आपकी जो ड्राइव है वो बिल्कुल सिक्योर है, आप बगैर किसी टेंशन के वो आगे किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, वो इसे अब डेटा रिकवर नहीं करता। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।